की तरफ हम जाते हैं तो वी है इस statement के अंदर आपने क्या करना है कि अच्छा जो आपको advantage, disadvantage के questions मिलते हैं दे आर लाइक आपके पास जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आएगी उसके बाद आएगा व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डू यू थिंक एडवांटेजेस आउट वे डिसएडवांटेजेस दो तीसरा पॉइंट यह है कि डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड गिव योर ओपिनियन देर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऊपर जो भी स्टेटमेंट आएगी कि कंप्यूटर यूज और एजुकेशन सिस्टम में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है आईटी का दौर है या जो है ना हमें ट्रेन uh, में सफ़र करने चाहिए एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है इन द सर ऑफ टेक्नोलॉजी हमें जो है घर बैठ के काम करना चाहिए फ्री लांसिंग करनी चाहिए एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है वट एवर द क्वेश्चन इज ऊपर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके बाद ना इन में से कोई एक आपके पास आ जाएगा ऑप्शन व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डू यू थिंक एडवांटेजेस आउट विद द डिसएडवांटेजेस एंड डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड गिव योर ओपिनियन तीन किस्म की स्टेटमेंट्स आएंगी इन में से कोई एक आएगी वो उस वक्त डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या है अब ये जैसे क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक आप देखें क्वेश्चन को अ लॉट ऑफ प्लेसेज इन द वर्ल्ड रिलाय ऑन टूरिज्म मतलब क्या हुआ कि जो बहुत सारी जगह हैं जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान दे रिलाय टूरिज़म और वो टूरिज़म पे रिलाई करते हैं तो अल्टीमेटली उनको क्या मिलता है टूरिज़म इज़ अ मेन सोर्स ऑफ इनकम अनफॉर्चुनेटली टूरिज़म कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स ये सोर्स ऑफ इनकम तो है ही है लेकिन ये साथ साथ क्या है सोर्स ऑफ प्रॉब्लम भी है तो जो आपका इनकम है ये आपका हो गया एडवांटेज और जो आपका प्रॉब्लम है ये हो गया ठीक disadvantage. है, अब क्वेश्चन क्या लिखा है तो हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि क्या एडवांटेजेस ज्यादा है डिसएडवांटेजेस से ये आपके पास पॉइंट है ठीक है एडवांटेजेस भी आपने यहाँ पर बताने होते हैं डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं दोनों को डिस्कस करना है और फिर डू यू थिंक अपना ओपिनियन देना है यानी कि आप जो है यू कैन राइट योर राइटिंग जो पहला पार्ट है इंट्रो हम लिख सकते हैं दूसरे में आप बॉडी वन एडवांटेज लिख दें बॉडी टू डिसएडवांटेज लिख दें ओपिनियन भी अपना दे दें और आप कंक्लूजन भी लिखेंगे हम ये भी हो सकता है ओपिनियन एंड कंक्लूजन को एक ही बना दें वी कैन मर्ज वी कैन राइट फोर पैराग्राफ्स इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू राइट फोर फोर लिख लें फाइव लिखना चाहते हैं तो फाइव लिख लें अब हमने क्या करना है कि वी हैव टू ये चंद एक चीज़ें हैं जो भी हम देखेंगे कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर वाट आर द ऐसे स्ट्रक्चर हाउ टू प्लान हाउ टू राइट एन इंट्रो बॉडी बॉडीग्राफ कैसे लिखने हैं कंक्लूजन कैसे लिखना है इसको हम देखते हैं और हमारे पास आ गया ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दे आस्कू अबाउट योर ओपिनियन और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो आपके ओपिनियन नहीं मांगते हैं। वो सिंपली कहते हैं वट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस तरीके से डू यू थिंक अगर आ जाता है एडवाटेजेस आउट वे द डिसएडवांटेजेस वो आपको ओपिनियन मांग रहे हैं और जस्ट ये लिखा है कि डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो इट मीन्स दे आर नॉट आस्किंग यू योर ओपिनियन जस्ट आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने अब यहाँ से हम चलते हैं तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल ऑलवेज बी अ स्टेटमेंट जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा जैसे ये वाला पार्ट है ये आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाएगी स्टेटमेंट क्या है स्मॉल बिजनेस आर डिसअपियरिंग एंड बीग रिप्लेस बाय लॉर्ज मल्टानेशनल कंपनी स्मॉल बिजनेस ख़त्म हो रहे हैं गली मल्ले वाले और मल्टाइनेशनल कंपनीज आ रही हैं जो शॉपिंग मॉल्स आ रहे हैं वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं डू द एडवाटेजेज ऑफ दिस आउट विद द डिसडवाटेज क्या एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसडवाटेजेस है तो ये आपने यहाँ पर देखना है इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम चलेंगे ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे मोस्ट कैरियर चॉइसेस डिमांड वोकेशनल स्किल्स अब ये एक और क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की भी फिर हमने यहाँ पर स्टेटमेंट देनी है उसकी स्टेटमेंट हम क्या देंगे आ, मतलब इसको डिस्कस करना है मोस्ट कैरियर चॉइसेस डिमांड वोकेशनल स्किल्स इसका क्या मतलब है मोस्ट कैरियर चॉइसेस डिमांड वोकेशनल स्किल्स मोस्ट कैरियर चॉइसेस मीन के आपका जो फ्यूचर है जो कैरियर है जो जॉब्स हैं जो मार्किट्स हैं दे नीड वोकेशनल स्किल्स आपकी स्किल्स को देखते हैं या फिर आपका स्पेशलाइज नॉलेज देखते हैं हाउएवर डिस्पाइट दिस मोस्ट स्कूल स्टिल टीच एकेडमिक बहुत सारे स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेज हैं वो भी भी सब्जेक्ट सिखाते हैं जैसे हिस्ट्री सोशल स्टडीज़ मैथ्स कंप्यूटर फिजिक्स बायो अभी भी वो चीज़ें सिखा रहे हैं जबकि मार्केट के अंदर उनकी जरूरत नहीं है मार्केट में आपका एक्सपर्ट नॉलेज जो है वो चाहिए वोकेशनल uh, स्किल्स चाहिए डिस्कस एडवांटेज भी बताएं डिसएडवांटेज भी बताएं अब ये आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी नीचे ये आपसे डिमांड की जाएगी कि आपने क्या करना है नाउ वी हैव टू लुक है स्ट्रक्चर नहीं हमने दोनों बताने हैं दोनों बताने अगर यहां पर होता वर्ड और एंड की बजाय तो फिर हम एक बताते डिस्कस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन था अब चूंकि यहां पे है कि डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो हम दोनों बताएंगे बॉडी वन एडवांटेजेस बॉडी टू डिसएडवांटेजेस डिस

हमने वहां पे बताना है कि वोकेशनल स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है और ये इसकी ये पढ़ाने का क्या फ़ायदा है और ये पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, है जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बारे में तो कोई नहीं पूछता जो हम स्कूलों में पढ़ते जाएँ उसको तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहीं लैब के अंदर होगी साइंटिस्ट तो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे लेकिन बाकी तो सो सोसाइटी में कोई भी नहीं कर रहा तो हम जॉब में अगर एडमिन जॉब में जाते हैं तो हमसे एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें पूछी जाती हैं हम वहां पे सोशल मीडिया की जॉब करते हैं तो सोशल मीडिया के बारे में पूछा जाता है हम अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटेंसी की स्किल्स होनी चाहिए ये वो चीज़ है अच्छा दिस इज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में बड़ा सिंपल सा है आपने जो स्ट्रक्चर लिखना है यहाँ पे यू हैव टू तो पैराफ्रेज द क्वेश्चन क्वेश्चन को पैराफ्रेज किया उसके बाद यू हैव टू आउटलाइन बतानी है और अपना ओपिनियन बताना है यानी कि आफ्टर रीफ्रेजिंग द क्वेश्चन दिस विल डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये आपने अपना बता दिया कमिंग टू द मेन बॉडी मेन बॉडी में टॉपिक सेंटेंस एक्सप्लेनेशन सेंटेंस एग्जांपल्स ये तीन चीज़ें याद रखिएगा टॉपिक सेंटेंस एडवांटेज की बात करते हैं देन वी हैव एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल इसी तरह बॉडी टू में टॉपिक सेंटेंस डिसएडवांटेज फिर उसी की एक्सप्लेनेशन उसी की आगे एग्जांपल्स एंड एट द एंड यू हैव टू समराइज द की पॉइंट्स एंड देन यू हैव टू स्टेट योर ओपिनियन अगर मांगा गया है तो ये देखिए इफ़ रिक्वायर्ड अगर आपसे पूछा गया तो बताएंगे अदरवाइज यू डोंट नीड टू डिस्कस दिस आप नहीं बताएंगे ये चार चीज़ें हैं जो हमने देखनी है अब हम इन्हीं को आगे मूव करेंगे जैसे कि आपके पास क्वेश्चन कोई भी आ जाता है हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और टू अगर क्वेश्चन है राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो फिर एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज बताना है अगर क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस तो फिर एडवांटेजेस मीन ज़्यादा डिसएडवांटेजेस मीन ज़्यादा फिर हम वो करेंगे और ये चीज देखें ये तीन काम जो है ना आप लोगों ने करने है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड एनालाइज द क्वेश्चन क्या है देन जनरेट आइडियाज इससे रेलिवेंट आप अपने जनरेट करते हैं एंड देन आइडेंटिफाई वो कैबलरी भी आप लोगों ने उससे रेलीवेंट लिखनी है उससे हट के नहीं लिखनी आपके वोकेबलरी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हाई फाई की वर्ड यूज़ करें वोकेबलरी का मतलब यह है कि उससे रेलिवेंट बात होनी चाहिए जैसे अगर ट्रैफिक है तो आप व्हीकल्स की बात करें आप ट्रैफिक कंजेस की बात करें रोड लैंड की बात करें ट्रैफिक वार्डन की बात करें ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करें अंडर पास ओवर पास ठीक है इस तरीके सी चीज़ें पेडेस्ट्रियन ब्रिज तो जब कार्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं रोड के तो आप फ्लीट ऑफ कार वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो इस किस्म की जो आपकी वोकेबलरी है ना दैट इज़ योर वोकेबलरी तो वो भले सिंपल वर्ड्स यूज़ करें बट दे शुड बी रेलीवेंट अब हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर द फर्स्ट थिंग इज़ टॉपिक वर्ड्स जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड रिलाय ऑन टूरिज्म तो अब जो टूरिज्म है आपका ये आपका ऐसे का टॉपिक है दैट इज़ योर टॉपिक वर्ड एंड द सेकेंड थिंग इज अदर की वर्ड्स अदर कीवर्ड्स में आप देखिए तो यहां लिखा है जी सोर्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स ये दो चीजें आपके आ गई सोर्स ऑफ इनकम सोर्स ऑफ प्रॉब्लम ये आपके आगे अदर की वर्ड्स देन वी हैव इंस्ट्रक्शन वर्ड्स इंस्ट्रक्शन वर्ड्स ये हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड ये आपके इंस्ट्रक्शन वर्ड्स हैं ऑफ टूरिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड डू यू थिंक दैट बेनिफिट्स ऑफ द टूरिज्म क्या बेनिफिट्स ज़्यादा हैं ये आपके इंस्ट्रक्शन वर्ड्स हैं तो ये तीन चीज़ें जो है ना आप लोगों ने करनी होती हैं आइडेंटिफाई ये अगर तीन चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका ऐसे लिखना आसान हो जाता है इन तीन चीज़ों को ये जैसे देखें ये आपके पास था टूरिज्म इज़ द कीवर्ड फिर आपके पास दूसरा पार्ट ये था और तीसरा पार्ट ये है उसी क्वेश्चन को ही दिखाया गया ये भी खैर वही चीज है मैं आपसे पी शेयर कर दूंगा आप इसको देख लीजिएगा नाउ वी हैव टू जनरेट दी आइडियाज फॉर जनरेशन ऑफ द आइडियाज ये देखें ये एडवांटेजेस हैं यहां पे आप मुझे बताएं टूरिज्म के क्या एडवांटेज हो सकते हैं व्हाट कैन बी एडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म जनरेट होगी जॉब्स मिलेंगी लोकल पीपल को अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल एंटरप्रेन्योर्स टूरिस्ट स्पेंडिंग बूस्ट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल नेशनल एंड लोकल इकोनॉमी ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट इन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको हेल्प्स मेंटेन ट्रेडिशंस एंड कल्चर उस इलाके का कल्चर भी इम्प्रूव होगा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा वहाँ लोकल बिजनेसेस आएंगे उनकी लोकल इकोनॉमी बूस्ट करेगी लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का रेज कर जाएगा और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करना शुरू हो जाएंगे दिस दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ये आपने आइडियाज जनरेट करने हैं वन टू थ्री फोर फाइव लाइक दिस देन वी हैव टू टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस फॉर डिसएडवांटेजेस आप देखें तो ये आपके पास जो है डिसएडवांटेजेस यहाँ पर आ रहे हैं वहाँ तो, तो पूरा आपने ना ऐसे लिखना एट दी एंड मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे कैसे लिखना है अच्छा। वहाँ ये जस्ट पॉइंट्स बना रहे हैं हम क्वेश्चन uh, पेपर पे ये पॉइंट्स बना सकते हैं क्वेश्चन पेपर पे ये पॉइंट्स बना सकते हैं ठीक है मनी गोज टू वेल्दी बिजनेस ओनर्स डिसएडवांटेज क्या है कि uh, जब टूरिज्म वहां होता है एक तरफ तो प्रॉब्लम्स था पॉजिटिव वे में देखें अब अपोजिशन की नज़र में देखेंगे नेगेटिव वे में देखेंगे तो जो पैसा है वो बिज़नेस ट्राइकोन जो है उनके पास चले जाता है और वहाँ पे क्राइम्स भी बढ़ते हैं वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ भी आती हैं या ड्रग्स भी आती हैं और वहाँ पे पब्स और क्लब्स भी बन जाते हैं और उसके बाद है आपके पास डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इन्वामेंट टू बिल्ड होटल्स एयरपोर्ट्स एंड अदर फैमिलीज डिस्ट्रक्शन होती है और डिसप्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनियस पीपल जो लोकल लोग हैं वो लोग वहाँ से चूंकि एक्सपेंसिव हो जाती है जगह तो वो मूव कर जाते हैं किसी और जगह पर तो ये एक प्रॉब्लम आता है ये आपके पास डिसएडवाटेज हैं अब हमने क्या करना है वी हैव टू री फ्रेज द क्वेश्चन सबसे पहले ये जैसे आपके पास क्वेश्चन है ये आपके पास आ गया पैराफ्रेज द क्वेश्चन इसको जरा देखें यही जो क्वेश्चन था टूरिज्म वाला उसको पैराफ्रेज किया गया और दो हॉलीडे के जो टूरिस्ट होते हैं ना दे आर मेकर्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमीज पैसा वो कंट्रीब्यूट करते हैं मैनी पॉपुलर डेस्ट्रीब डेस्टिनेशन बहुत सारी जगहों पे जाते हैं ऑफ टूरिस्ट कैन कॉज सीरियस इश्यूज़ वहाँ पे था प्रॉब्लम सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स था और सोर्स ऑफ इनकम था यहाँ इकोनॉमीज़ इनकम की जगह और सोर्स ऑफ प्रॉब्लम की जगह मेजर इश्यूज़ इश्यूज़ या सोर्सेज़ ऑफ़ कर दिया हमने अब आउटलाइन स्टेटमेंट क्या थी वो आप इससे आगे जाके हम देखते हैं ये जैसे है. इस ऐसे की आउटलाइन स्टेटमेंट है दिस ऐसे विल डेमोस्ट्रेट हाउ टोरिज्म कैन ट्रांसफॉर्म द इकॉनमी ऑफ़ द पोअर एरिया बट विल ऑल्सो शो दैट दिस कैन लीड टू सच प्रॉब्लम एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल यानी कि एक तरफ तो फायदा है इकोनमी बूस्ट करेगी और दूसरी तरफ नुकसान क्या है कि लोकल लोगों को वहाँ से बका देगी ठीक है तो ये आपके पास आउटलाइन स्टेटमेंट के बाद आती है ओपिनियन स्टेटमेंट ये वर्ड एक्नोलॉजिंग दैट देर आर ड्रॉबैक्स एंड विल आर्ग्यू दैट एडवांटेजेस ऑफ द टोरिस्ट इंडस्ट्री आउट विद द कि एडवांटेजेस ज्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है ठीक है ये तीन पार्ट आपने यहां पर इंट्रो के अंदर तीन चीजें लिख दी और ये इंट्रो हमने पूरा लिख दिया यहां से लेकर यहां तक ये यह जो पार्ट था यहाँ तक ये यह हो गया पहला रीफ्रेज आपने किया ठीक है फिर दिस एसे विल डेमोस्ट्रेट यहां से यहां तक आपका आउटलाइन आ गया फिर यहां से यहां तक आपका आगे आपने बताया कि मैं इसको जो भी करूँगा ड्रॉबैक्स कम है और एडवांटेजेस ज्यादा हैं वो चीजें आपने यहां पर बतानी है ये इंट्रो था तीन हिस्सों में हमने इंट्रो को लिखा है उसके बाद ये देखें फॉर बॉडी वन वी हैव टॉपिक सेंटेंस एक्सप्लेनेशन एंड आपके पास आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंस तीन चीजें लिखनी हैं वो जो आपने लिखी ही टॉपिक सेंटेंस वो ये था टॉपिक सेंटेंस एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सिक्वेंस एग्जाम्पल आप उसकी बीच में दे सकते हैं किसी की भी वन कंट्री दैट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बूस्ट फ्रॉम फ्राम टूरिज्म इज थाईलैंड ये एग्जाम्पल भी है और टॉपिक सेंटेंस भी है मर्ज किया गया है थाईलैंड में कैसे बूस्ट आया है ओवर द पास्ट फिफ्टी ईयर मेरी ऑफ इट्स स्मॉल फिशिंग विलेजेस वेयर पीपल ऑफ्टन स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग है फ्राई विन हॉलीडे डेस्टिनेशंस ठीक है और ये यानी कि लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर जा रहे हैं पहले लोग वहाँ पे फिशिंग करते थे अब लोग वहाँ पे टूरिज्म के लिए जाते हैं और चीज़ें दिन ब दिन बढ़ रही हैं कॉन्सिक्वेंस ऑल द होटल्स रेस्टोरेंट शॉप्स ये सारी चीज़ें बन गई हैं टूरिस्ट फैसिलिटीज दैट हैव डेवलप्ड देर आर ना इनफ जॉब्स जॉब्स भी बढ़ गई हैं ये चीज़ें भी बढ़ गई हैं आपके पास होटल्स रेस्टोरेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है आपके पास जो ना, वहां बन, ब, बन है ना वहाँ पे जॉब्स बन बन गई हैं एवरी वन एंड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रेटली इंक्रीज ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो गया ये सारे एडवांटेजेस ही हैं मैनी लोकल पीपल स्पॉटेड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड बिकम एंटरप्रेन्योर्स तो ये सारा आपने जो मर्ज किया है ये आपकी इसी एडवांटेज में चले जाते हैं दिस इज बॉडी वन इसी तरह हमने जो बॉडी टू लिखना है वो ये हम बॉडी टू लिखते हैं टॉपिक सेंटेंस देन वी हैव एक्सप्लेनेशन सेंटेंस एंड देन वी हैव कॉन्सिक्वेंस टॉपिक सेंटेंस एक्सप्लेनेशन सेंटेंस एंड कॉन्सिक्वेंस तीन चीज़ें और ये देखें तो आपके पास ये आ रहा है पार्ट आपका जो बॉडी टू का है इसी तरीके से जब बॉडी टू आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो देन यू हैव टू तो गो फॉर कंक्लूजन और कंक्लूजन में यहां पे आपने जो लिखना है इन कंक्लूजन लिखेंगे या टू कंक्लूड लिखेंगे इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड ये दो चीजें